हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी, जय भारत, तो वंदे मातरम। कल से दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो विज्ञप्ति जारी हुई है, तब से लेकर बहुत सारे बंधु के मन में यह हुआ कि उम्र में छूट मिलतीगी नहीं मिलेगी, वो आपका विज्ञप्ति के अंदर साफ साफ स्पष्ट उत्तर प्रदेश पुलिस ने यहाँ पर कर दिया है। अब आगे का कदम क्या रहने वाला है, वो चीज़ के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो डिटेल से इस वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल पहली बार विजिट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बोलना चाहता हूँ कि आप ये जो उम्र दी है आपने 18 से 22 साल, आपने जो विज्ञप्ति निकाली थी वो निकाली थी 2019 के अंदर। अभी चल रहा आपका मेरे दोस्तों 2023 आपका समाप्त हो चुका, 2024 आने वाला है। मतलब 18 से 22 साल चार साल आपने इसमें दिया है भाई। 18 से लेकर 22 साल का जो कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अब 19 से यदि आप 24 तक आओगे ना, तो लगभग आपका यहाँ पर मानो तो 5 साल होते हैं। मतलब यूपी पुलिस में उत्तर प्रदेश राज्य में एक साल के अंदर 10th पास करने वाले कैंडिडेट ऐसे होंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। अब बात आती है, आपके ये बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि मैं बताऊं दोस्तों आपको ध्यान रखना, जो यहाँ पर डिटेल से आपको बताया गया है, 18 से 22 साल एक साथ 2023 को 18 वर्ष की आयु आपका यहाँ पर प्राप्त कर लेनी चाहिए। मतलब इन्होंने जो 1/7/2023 काउंट किया ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर निकल कर आ रहा है, क्योंकि 5 साल बाद जब आप भर्ती दे रहे हो तो जाहिर सी बात है 5 साल में यदि कोई कैंडिडेट 5 साल तो ज़्यादा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसकी एज तो रुकने वाली है नहीं, पर ये बहुत बड़ी अन्याय है एक साथ। अब देखो आज क्या हो रहा है वो चर्चा कर लेते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर इसके पक्ष में आ चुके हैं, जैसे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विवेक सर का, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इसके ऊपर अपना राय रखी, और एक ट्विटर कैंपेन आज भी चल रहा है ट्विटर के ऊपर, उत्तर प्रदेश पुलिस एज रिलैक्सेशन। मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, उस ट्विटर कैंपेन के भी आपको फोटो दिखाऊंगा, रिप्रेस करके भी आपको दिखाऊंगा, सब कुछ आपको दिखाऊंगा दोस्तों इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट होने के लिए जाहिर सी बात है हमें किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा। मैं नहीं बोलूँगा चैनल सब्सक्राइब करो या नहीं करो, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल का नीचे आपको व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उनसे आप जरूर जुड़ जाओ ताकि आपको हर एक अपडेट हर एक जानकारी टाइम टू टाइम मिल सके। क्योंकि इसी को लेकर अजय गर्ग साहब से कल आपकी चर्चा होने वाली है मेरे दोस्तों, मैं बता दूं आपको, अजय गर्ग साहब से ही हम चर्चा करने वाले हैं। वही अजय गर्ग साहब जिन्होंने भाई सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, कौन सी सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ एचसीएम, इन दोनों भर्तियों में एज में काउंटिंग में छूट दी थी, और वही आपका रास्ता करवा सकते हैं। और एक ही रास्ता है, वो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भर्ती लाने, आपका यहाँ पर एज में छूट दिलाने का। मैं बोलना चाहता हूँ रोजगार युक्त अंकित वाले अंकित भाटी सर को भी, आप इन्हीं की बदौलत फेमस हो, यही बच्चे हैं तब आप हो, ये नहीं होंगे तो आपका भी वजूद नहीं रहेगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ, यदि सीधे साफ शब्द में नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ, यदि नहीं बोल रहा तो मैं से आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि यदि आप उस चैनल से आप नहीं जुड़े रहोगे, आप यदि उसका नहीं खरीदे कोर्स वगैरह, कोई नहीं, बढ़िया कर रहे हैं रोजगार युक्त अंकित वाले। पर उत्तर प्रदेश में जो 25 लाख बंधु के साथ धोखा हो रहा है, जो गरीब बच्चों के साथ धोखा हो रहा है, उसका क्या, उसका कुछ नहीं होने वाला क्या? होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि आज का ज़माना टेक्निकली ज़माना है, आज का ज़माना आप जुड़े रहोगे तो आपका कुछ संतोषन जरूर निकलेगा। जिस तरीके से एसएससी जीडी पर पहले आपकी 19 तारीख को यहाँ पर आनी थी, अभी आपका एक डेट और दी गई है जो आपकी कल की पड़ी है, मैं तो उसके भी ऊपर अपडेट लेकर आऊँगा भाई, आपकी एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अब वो भी मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना मेरे दोस्तों, आपको एज में छूट मिलने का बहुत चांसेज है, क्योंकि सीधा सा कारण पड़ा है 5 साल में भर्ती नहीं आई, जो 5 साल में कैंडिडेट ओवर एज हुए उनका जिम्मेदार कौन है, उत्तर प्रदेश पुलिस ही तो है या यूपी सरकार ही तो है। आप एक चुनाव के माहौल को देखते हुए आपने भर्ती निकाल दी, मतलब एग्जाम डेट इन्होंने पहले जारी कर दी और भर्ती भी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी, ये कैसे संभव है? जब आप 5 साल में जो चीज़ नहीं कर पाए वो आप 2 साल में कर रहे, एक आप 2 महीने में कर रहे हो, मतलब दोस्तों ये है टारगेट का, मतलब ये है कि 4.5 साल जनता को लूटो, जितना लूटिस्ता उतना लूटो, और 6 महीने के लिए उसका 10% लगा दो, ये टारगेट रखते हैं। हकीकत बता रहा हूँ, यदि नहीं बता रहा तो, किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, कोई पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, कोई किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं जो हो रहा है उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि आपके साथ अन्याय है और अन्याय के लड़ना भाई बता दूँ दोस्तों कि आप एक बात समझ लेना कि गुलामी में आप ज़िंदगी भर जीने से अच्छा है कि आज़ादी के 2 साल जी लें, आज़ादी के 2 दिन जी लें, 2 साल नहीं 2 दिन, आज़ादी के 2 दिन काफ़ी हैं, और गुलामी की ज़िंदगी भर का जीना बेकार है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ट्विटर कैंपेन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अभी भी ट्विटर आपका चल रहा है, मैं दिखा देता हूँ ट्विटर के ऊपर रिप्लेस करके आपको,
ये देख लीजिए आपका, अभी आप देख सकते हो, ये देखो मैं रिप्रेस कर देता हूँ इसको, रिप्रेस होने के बाद ये देख लीजिए आपका ट्विटर ट्रेंड कर रहा है यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन, आपका सवर्ण उम्र सीमा में छूट, हैज टैग यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन आपका चल रहा है, आपके इसके नीचे आपका चल रहा है वो छोड़ो, अभी आपका जो ट्रेंड हो रहा है वो यूपी पुलिस आपका ट्रेडिंग के अंदर भी, और दिखा देता भाई कौन सा ट्रेडिंग, नथिंग इज नो शेयर इट, चलो कोई नहीं, इसमें अंदर भी स्पोर्ट्स में भी आपका फॉर यू, हम इसमें देख लेते एक बार फिर रिप्रेस आपके सामने कर रहा हूँ, ये देख लीजिए यूपी पुलिस आपका ट्रेंड, लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस वायरल नोटिस, ये देख सकते हो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर उम्र सीमा में छूट की जानकारी, उत्तर प्रदेश मतलब पूरी की पूरी आपकी यहां पर चल रहा है, आप सोच सकते हो एमडी क्लासेज वाले सर भी आपके समर्थन में आ चुके हैं, साथियों एज रिलैक्सेशन नहीं मिला तो एक बहुत बड़ा अन्याय होगा, एक युवा क्या गलती है जो सरकार पांच पांच साल भर्तियां लाती है, साथियों मुझे जो बन पड़ेगा मैं एज रिलैक्सेशन के लिए जाने की कृपा करूंगा, विवेक कुमार ने यह कमेंट किया, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो भर्ती पुलिस आपकी ये एमडी क्लासेज वाले सर हैं। देखो दोस्तों आपका ट्रेंड अभी भी चल रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, आप भी इस पर रीट्वीट कीजिए, ये इस तरीके से आपको यहां पर करना है, इस तरीके से आपको यहां पर करना है, और ये देख लीजिए आपका योगी आदित्यनाथ को इन्होंने ट्वीट किया, माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़कर लाखों युवाओं का बेरोजगार का सवेले, अब यार योगी जी तो पता नहीं कहाँ हैं, पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि योगी जी यदि सुनते इस तरीके से तो भाई बहुत कुछ हो सकता है, पर योगी जी सुनते नहीं हैं, कोई नहीं शासन अच्छा है, हम ये नहीं बोलते शासन आपका अच्छा नहीं है, पर युवाओं के साथ अन्याय मत करो, वरना यहाँ पर बता दूँ दोस्तों यूपी पुलिस हो चाहे आपका यूपी हो चाहे राजस्थान हो चाहे पंजाब हरियाणा, हर एक कैंडिडेट यूपी पुलिस में जाने का सपना सजोता है, एक शेर की नौकरी करने का हर एक की इच्छा होती है, ठीक है, तो यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन आपको बहुत जल्द मिलेगा, इसको लेकर भी कोर्ट में याचिका करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, विवेक सर से बात करेंगे, कोई नहीं हमारा चैनल छोटा है, भाइयों के प्यार की बदौलत बड़ा हो जाएगा, पर विवेक सर से मैं बात करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, जो भी कोई अपडेट होगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, आप ट्वीट कीजिए रीट्वीट कीजिए, आपको लगाना हैज टैग यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन, जो कि आपका सारा का सारा कैपिटल अक्षर में है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, बाकी देखो आगे जो भी अपडेट होगी जो भी कोई जानकारी होगी मैं यूपी पुलिस से रिलेटेड आपको देता रहूंगा, इसी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपका भाई आपको अपडेट करता रहेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, निदान साहब तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों।